हेलो गाइस, मैं हूं सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास आई है 2022 न्यू क्रेटा, जो आज हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ये है हमारी गरवारे सन कंट्रोल फिल्म और ये है हमारी फ्रंट विंडशील्ड। ये पूरा रोल रहता है हमारा विंडशील्ड का, फ्रंट वाली का। और इसमें आप देख सकते हैं 25% रीच डिटेक्शन रहता है और 70% विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंट रहता है और 99% आपका हीट रिजेक्शन रहता है। और आप ये देख सकते हैं, और ये रहते हैं हमारे SRC रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको लगाने का काफ़ी फ़ायदा रहता है, जैसे कभी धूप में, जैसे कभी सामने से ही धूप पड़ती है तो हमारी गाड़ी का डैशबोर्ड भी कभी गर्म नहीं होता। और इसमें आपका काफ़ी AC काफ़ी बढ़िया कूलिंग करता है। और जैसे कभी नाइट में, जैसे आप कभी ड्राइव करते हैं तो जैसे कभी सामने वाली गाड़ी, जैसे कभी लाइट बिल्कुल सामने पड़ती है तो ये एकदम डायरेक्ट हमारी आंखों पे नहीं आती ये फिल्म से। तो ये दो बेनिफिट रहते हैं ये फिल्म के। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे आप कभी रोल से खोलते हैं तो यहाँ पे आपका एक स्टिकर लगा हुआ रहता है गरवारे कंपनी का, और आपको फिल्म में भी आपको गरवारे लिखा हुआ रहेगा आपका इसके फिल्म के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं इस टाइप से पूरा सिंगल रोल रहता है। और ये हमने विंडशील्ड पे लगा दिया है पूरा, और हम लोग ग्लास के साइज़ का हम लोग कटिंग कर लेंगे इस टाइप से। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से हम लोग कटिंग करके, ये देख सकते हैं ये हमने पूरी फुल कटिंग कर ली है। और इसको हम लोग अब जो हीट गन से हम लोग इसको अब शिंक कर लेंगे, ताकि ये ग्लास का शेप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये हमारा फिल्म हमारी ये पूरी ग्लास के तरीके से पूरा शेप ले ले। इस पर हीट गन से शिंक करने के बाद ही लग पाती है, जैसे हम लोग कभी डायरेक्ट लगाते हैं तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लगती है। और आप ये देख सकते हैं इस टाइप से हमें हीट गन से इसको पूरी फिल्म को हमें सिंक करना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम कभी डायरेक्ट लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी ये वाले जो एयर बबल है, इनको हमें पूरा का पूरा हमें इनको पूरा हटाना रहता है, तभी ये हमारी फिल्म फ्रंटी फिल्म लग सकती है। और आप देख सकते हैं हीट गन से सिंक करके हमने पूरा, हमने जो एयर बबल थे पूरे के पूरे हमने हटा दिए। और इसको हम लोग अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोग अब इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में फिर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, या हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक बॉर्डर है, वहाँ से हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस टाइप से हम लोग कटिंग कर लेंगे बिल्कुल, कि ताकि ना ताकि छोटी हो ना ताकि बड़ी हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेना रहता है। और ये हमारी अंदर से बिल्कुल ये पेस्ट हो जाती है, ये वाले हमारे फ्रंटी फिल्म जो अंदर से ही पेस्ट होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने ग्लास के साइज़ का हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये हमने कटिंग कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कहीं से कहीं तक छोटा सा भी गैप नहीं रहता है, और ये हमने रोल कर लिया है हमने बिल्कुल, वो बिल्कुल सावधानी से रोल करना रहता है, कभी हल्की सी कभी पिंच आ जाता है तो वो ग्लास पे बहुत गंदा लगता है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये हमें कर लेना रहता है। और आप देख सकते हैं अंदर से हमें इस टाइप से पूरा ग्लास बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें साफ़ कर लेना रहता है, और ये पूरी गाड़ी को पूरी पैक कर लेना रहता है। और ये वाला जो हमने जो रेगजिन का पीस लगाया है, ताकि ये वाला इसलिए लगाया जैसे कभी पानी भी जैसे गिरता है ना, ताकि हमारे डैशबोर्ड पे और जैसे म्यूजिक सिस्टम पे पानी ना जाए। और ये आप देख सकते हैं ये हमारी फ्रंटी हमने लगा दी है, जो भी हम जो एयर बबल्स है उसे हम अभी हाथ से बिठा रहे हैं। और बाकी फाइनल ये हमारा स्कूजी से ये बिल्कुल पूरा पानी निकाल देना रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से पहले प्लस बनाना रहता है, ताकि चार भाग में हमारा पूरा ये फिल्म बढ़ जाए और पानी बिल्कुल आसानी से निकल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से बिल्कुल पूरी फुल ताकत से ये हमें ये हमारा ये पूरा पानी निकालना रहता है, ताकि ये क्या विंडशील्ड पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी ना रहे, कभी पानी रहेगा तो ये क्या सूखता नहीं है, और वहीं का वहीं जो एयर बबल पूरा बन जाता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से हमने बिल्कुल लगा दी है हमारी फ्रंटी फिल्म,
ये आपको लगेगा ही नहीं कि यह यहाँ पे फ्रंटी फिल्म लगी हुई है। और चालान की बात करें तो इसमें चालान नहीं बनेगा, यह 70% विजिबिलिटी है और यह 70% ट्रांसपेरेंट रहता है। वो लगने पर आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस पे आपकी ये फ्रंट फिल्म लगी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फास्ट टैग पे यहाँ पे थोड़ा हल्का सा पानी रह जाता है और इसको भी हम लोग अभी निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये हमारी पूरी फिल्म लग चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और लगने पर पता ही नहीं लगेगा कि ये हमारी ये फिल्म लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी की बूंद हमें बिल्कुल पूरी, जो छोटी से छोटी पानी की बूंद रहती है पूरा हमें इसको पूरा निकालना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी कितना बढ़िया तरीके से हमारी फ्रंटी फिल्म लग चुकी है।